जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार। सोमवार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होगी। अगले दिन सुबह 4:31 तक। आज के दिन चैत्र नवरात्रि में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा और आज जो भी चैत्र नवरात्रि जिन्होंने किया था आज वो व्रत का पारण करेंगे। कल के दिन यानी कि 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। विशेष प्रकार से एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय सुबह 5:30 और सूर्यास्त शाम 6:10। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे दोपहर 1 बजे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 2:08 पे। सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में। यह बसंत ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग द्वितीय योग दोपहर 12:19 तक, उसके बाद शुक्ल योग करण तैतील करण दोपहर 3:57 तक, उसके बाद गर करण। नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र सुबह 6:51 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। दिशा शूल की बात करें तो आज सोमवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दर्पण देखकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज सोमवार का दिन है तो सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अति प्रिय है, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है तो उन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र पे राम का नाम लिख करके उन्हें अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इन मंत्रों का जप करें। बिलपत्र भगवान को सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान को शमी पत्र भांग धतूरा अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। सोमवार व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करें तो यह लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 7:05 से सुबह 8:40 तक। गुली कालम समय होगा दोपहर 1:25 से दोपहर 3:01 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:25 से दोपहर 12:15 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 7:04 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:41 से सुबह 10:15 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:25 से दोपहर 3 बजे तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 4:35 तक।
उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौखरिया मुहूर्त शाम 4:35 से शाम 6:10 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौखरिया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौखरिया मुहूर्त के बारे में। चर नामक शुभ चौखरिया मुहूर्त शाम 6:10 से शाम 7:35 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौखरिया मुहूर्त रात्रि 10:25 से रात्रि 11:50 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौखरिया मुहूर्त रात्रि 1:15 से रात्रि 2:40 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौखरिया मुहूर्त रात्रि 2:40 से रात्रि 4:05 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौखरिया मुहूर्त रात्रि 4:05 से सुबह के 5:30 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौखरिया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लॉ। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।